नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है कांग्रेस का मिशन बुंदेलखंड। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के चुनावी दौरे और अब अरुण यादव को क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलना बताता है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बुंदेलखंड कितना अहम है। लेकिन बीजेपी इसे कोई चुनौती नहीं मान रही। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इस खास खबर को। कांग्रेस का मिशन बुंदेलखंड, सियासी जमावट में जुटे नाथ, बीजेपी पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं, लिहाजा पार्टियां बैठकों की राजनीति से एक कदम आगे मैदानी जमावट में जुट गई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ इन दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और बीजेपी पर जमकर गरज रहे हैं। तो उनसे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने बुंदेलखंड का दौरा करने पहुंचे थे। अब 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी, सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। बुंदेलखंड कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात से समझा जा सकता है कि पहले दिग्विजय ने नब्ज को टटोला और अब कमलनाथ। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बुंदेलखंड की जिम्मेदारी एक और कद्दावर नेता अरुण यादव को सौंप दी गई है। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, जहां से मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत जैसे दिग्गज नेता आते हैं। तो वहीं केन बेतवा परियोजना, बुंदेलखंड पैकेज और एक्सप्रेस वे की मेगा सौगातों से बीजेपी ने लीड ले ली है। लेकिन कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस कितने भी दौरे क्यों ना कर ले, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। बुंदेलखंड एक भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ है और आने वाले समय में हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं कमजोर हैं। आज हम पहले से भी बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले चुनावों में चुनाव परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है और प्रताड़ित होने वाले लोग तो आप लोगों के सामने कहाँ आते हैं। और आज जो प्रताड़ित हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं, यदि प्रताड़ित होते तो पार्टी में शामिल क्यों होते। दरअसल बुंदेलखंड में सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से 26 सीटें आती हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं 10 सीटें कांग्रेस और एक एक सपा बसपा के हाथों में हैं। वहीं 2020 उपचुनाव के बाद बीजेपी की सीटें 14 से बढ़कर 17 हो गई। इधर क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा है, यानी साफ है कि इन समीकरणों के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत में जुटी है। नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बुंदेलखंड हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, बीते कुछ वर्षों में देखें, कुछ चुनाव के पहले भी, तो आंकड़े तो यही कहते हैं कि बीजेपी लगातार वहां से चुनाव जीतती रही। जाहिर है उन सीटों पर, उन स्थानों पर कांग्रेस की नजर है जो लगातार बीजेपी के पास रही है। अब इसीलिए दिग्विजय सिंह भी पहुंच जाते, कमलनाथ भी, और जिम्मेदारी भी देखिए आप एक ओबीसी नेता यानी अरुण यादव को सौंप दी। पर क्या कांग्रेस का मिशन सफल हो पाएगा, आज समझते हैं। गौरव सिरोठिया जी है भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष सागर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी आपका बहुत स्वागत है, और साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपसे समझ लूँ, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार दौरे कर रहे हैं, कमलनाथ जी हैं या दिग्विजय सिंह जी है, और उसके बाद आपने अरुण यादव जी को जिम्मेदारी दे दी उस क्षेत्र की, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, क्या बहुत अलग रणनीति के साथ बुंदेलखंड की तरफ जाना चाहती है कांग्रेस? देखिए, हमने इस बार पूरी रणनीति बनाई है और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक प्लान तैयार किया, एक योजना तैयार की है। और ये सीधी सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है, उस सत्ता विरोधी लहर को हम जभी भुना पाएंगे जब हम चारों तरफ से अपने घर को मजबूत कर पाएंगे। आदरणीय अरुण यादव जी को जो जिम्मेदारी दी है बुंदेलखंड की,
वो बुंदेलखंड में वैसे भी उनका एक अच्छा दखल है, सामाजिक दखल है, राजनीतिक दखल है, और उसके बाद जब वो वहाँ बुंदेलखंड में घूमेंगे तो जो हमारी कमजोरियाँ हैं संगठन को लेकर या सामाजिक स्तर पर सामाजिक समीकरणों को लेकर, वो उन कमजोरियों को भी दूर करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी बात करती है कैन बेतवा परियोजना की, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, और पता नहीं क्या क्या। राहुल गांधी जी आए थे और वहाँ बुंदेलखंड में रहे और घर घर घूमे और उन्होंने रात बिताई कई जगह खटियों पे और बुंदेलखंड पैकेज आया। भारी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन बुंदेलखंड में उनके जो पैकेज जो आया था बुंदेलखंड का, और वो यहीं नहीं मिला बुंदेलखंड को, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी मिला, और जो दर्द को राहुल गांधी जी ने समझा उसका भी एक हमको लाभ जो है 2018 में मिला, और हमने जो कमियां छोड़ दी थी वो अब हम 2023 में उनको पूरी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बुंदेलखंड 18-20 साल से उसकी सरकार है और 30 साल से उसके सांसद आ रहे हैं, बताएं कि बुंदेलखंड के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक। केन बेतवा परियोजना का नाम ले रहे हैं, कब आएगी और कब पानी चलेगा, कब गेती लगेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। जितने भी काम किए वो कांग्रेस की सरकारों ने किए, अगर छतरपुर लाइन को भी कंप्लीट कराया तो मनमोहन सिंह की सरकार ने कराया है, सारे काम है। जो है वो हम ही लोगों ने किए, बीना रिफाइनरी भी हमारी देन है। तो बुंदेलखंड के लिए हमने जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अब हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए आपने क्या क्या काम बुंदेलखंड के लिए किया, वहाँ के पिछड़ेपन के लिए आपने क्या किया। ठीक है, मैं पूछता हूँ गौरव जी, बुंदेलखंड आप कहते हैं कि वो आपका गढ़ रहा और तमाम वरिष्ठ नेता भी वहीं से आते हैं, हम भूपेंद्र सिंह की बात करें, गोविंद राजपूत जी है, या फिर बात करते हैं गोपाल भार्गव जी की, और भी शैलेंद्र जैन, ये तो सब सागर के नेता है, लेकिन इसके अलावा आप छतरपुर की तरफ चले जाए या फिर बाकी टीकमगढ़, तो हर जगह आपके नेता दिखाई देते। पिछले चुनाव में थोड़ा सा नुकसान हुआ आपको हालांकि, लेकिन फिर भी गढ़ आपका बचा रहा। इस बार क्या तैयारियां हैं, जैसा कांग्रेस लगातार लीड कर रही है वहां पर पहुंच रहे हैं वरिष्ठ नेता। जी गौरव जी, तो मैं फिरोज भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया, और उनने क्या अभी दिग्विजय सिंह जी का जैसे कुछ दिन पहले दौरा था सागर जिले का, तो उन्होंने सागर में आकर ही ये स्वीकार किया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा संगठन कमजोर है। आपने भी न्यूज चैनल पे चलाया था, काफी उनका ये वक्तव्य वायरल हुआ था कि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा में बहुत कमजोर है। दूसरा, जैसा कि फिरोज भाई अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी जब बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे तो निश्चित रूप से हम लोग तो ये हमेशा मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी हमेशा आते रहे, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो हमारी सीटें बड़ी हुई थी और अधिक भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जीते थे। दूसरा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से चाहे सागर के अंदर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की देन हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। सागर को विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छतरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केन बेतवा लिंक परियोजना, एक बहुत बड़ी परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा किसानों के लिए लाभ के लिए होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आप अब खजुराहो से छतरपुर होते हुए झांसी जाएं तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस 2003 के पहले में जाए, और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो बार बार आ रहे हैं सागर में, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विकास देखने आ रहे हैं, क्योंकि जब 2003 से ये भोपाल से सागर आते थे तो इन्हें 8 घंटे लगते थे, तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, कि 2003 में जब हमारी सरकार बनती है तो सड़कों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैला और अब हम 2.5 घंटे में भोपाल से सागर पहुंचने का जैसा कि बीना रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, चाहे बीना रिफाइनरी की बात हो, 2003 तक जब तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही उसका कभी काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही मध्य प्रदेश में बनी उन्होंने जो टैक्स में छूट देने का काम किया उसके बाद बीना रिफाइनरी का काम शुरू हुआ, जेपी पावर प्लांट का काम शुरू हुआ, लगातार उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एक छतरपुर को छत्रसाल महाविद्यालय देने का काम, यूनिवर्सिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आज चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो,
और पानी के पीने के लिए जो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गांव में हम एक एक घर में नल से पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज जैसे कि कमलनाथ जी आज बीना में थे, सागर जिले में, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी थे, आज कमलनाथ जी बीना में थे, लेकिन बीना में उनका 2 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे के अंदर उन्होंने 11 मिनट का भाषण जो जनता के लिए वो आए थे, वो 11 मिनट का भाषण देकर केवल और केवल वहां के अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमका कर गए हैं, जैसा कि आप अभी दिखा रहे थे कि ये एक उनका उतावलापन है, जो सपने वो देखते हैं कि हमारी जी, सरकार आएगी, मैं जवाब ले लेता हूँ, बने रहिए गौरव जी, आप मैं जवाब तो हम वैसा कर देंगे। मुझे लगता है कि जनता ने जो निर्णय स्वीकार वो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको जिस तरह ठीक है गौरव जी आप बने रहिए, मैं जवाब लेता हूँ, फिरोज सिद्दीकी जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो डरा धमका रहा है, एक तरह से मतलब सीधा गौरव जी का ये आरोप है, और कह भी रहे थे कमलनाथ जी कि 5 महीने बचे हैं, बस 5 महीने बाद हम आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये दौरे से या फिर एक अलग तरह की रणनीति है, बूथ को, सेक्टर को आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मंडलम को आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसी लाइन पर बढ़ी और उसी लाइन पर आप भी बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत विश्वास है फिरोज सिद्दीकी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं है ये कांग्रेस की लाइन थी कि हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता था, बूथ का जो हमारे सेक्टर बूथ का कार्यकर्ता था, जमीनी कार्यकर्ता थे, वो बहुत मजबूत हुआ करता था, कहीं ऐसी कमियां रहीं कि हम उनका संयोजन नहीं कर पाए, तो उसका संयोजन का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, ये तो 60 साल, इनकी तो 4 पीढ़ियों ने संघर्ष किया, एक जुमलेबाज मिला और दूसरा घोषणावीर मिला, तब जाके इनके दिन फिरे। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि घूड़े के दिन भी 25 साल में फिर जाते हैं, इनके 60 साल लग गए। खैर, वो इनकी इनकी बात हो सकती है, लेकिन जितना भी विकास मेरे भाई जो सिरोठिया, गौरव सिरोठिया जी गिना रहे थे, वो सारे का सारा तो बुंदेलखंड पैकेज में आया था। आपका 17 साल जो कॉलेज है, झांसी एक्सप्रेस वे है, आपका जो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कन्याकुमारी हाईवे है वो है, आप जितने डैम्स थे वहाँ के, नहरें थी, सारी चीज़ें, और ये पहला ऐतिहासिक पैकेज था इस भारत आज़ाद भारत में कि उसका कोई स्टेट शेयर नहीं था, जो सरकार ने जैसी प्रोजेक्ट बना के दी वैसी की वैसी परियोजना जो थी वो स्वीकृत होके दिल्ली से आई। अब तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि आज भी स्वीकृति देने के बाद, 1000 करोड़ का पैकेज बुंदेलखंड देने के बाद, ये बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों है? दूसरी चीज जो हम अधिकारियों के लिए कह रहे थे कि आप खुरई में देखिए, गोविंद सिंह राजपूत की कांस्टेंसी में देखिए, जो हालात इन्होंने लोगों के किए हैं, अधिकारियों ने हमारे कितने कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया है, बताइए इसने किसने कौन सा ऐसा देशद्रोह का काम किया जिनको जेल में बंद किया गया है? हालात ये है कि भूपेंद्र सिंह का इतना इतना आतंक है कि कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं कर सकता उनके सामने, ये भूपेंद्र सिंह जी का आतंक से लड़ने की बात नहीं करता है, आम आदमी पार्टी से तो फॉर्म भरते हैं, लेकिन कांग्रेस से पार्षद का टिकट का फॉर्म नहीं भरा जाता। देखिए, वही हम कह रहे हैं, और ये कितने उदाहरण आपको दूं खुरई के में कि है ना, लोगों ने फॉर्म भरने जा रहे थे, पुलिस ने बुला के घर में बैठा, थाने में बैठा लिया, और जब समय निकल गया छोड़ दिया। कितने उदाहरण दूं मैं आपको कि बूथ के कार्यकर्ताओं को उठाया और बैठा लिया। तो जो अधिकारी संविधान के साथ चल रहे हैं, जो अधिकारी संविधान, और हमने बाकायदा इसके प्रूफ दिए हैं, हमारी जो प्रशासनिक प्राधिकरण की बैठक हुई है, केस लगे हैं, हमने इसके प्रूफ दिए हैं सारे केसेस। तत्काल आपका जवाब ले लेता हूं फिर जी भैया। हम लोग अगर रोकते तो हम आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं रोकते? हम रोकते तो हम बाकी लोगों को क्यों नहीं मना करते? चुनौती कांग्रेस दे सकती है ना, चुनौती तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी क्या है? कांग्रेस से लोग फॉर्म ही भरना नहीं चाहते। अरे भाई, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव में आए थे, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं चुनाव में आए? कांग्रेस से कोई फॉर्म भरना ही नहीं चाहता, उन्हें पता है कि जनता कांग्रेस की क्या स्थिति पूरे देश के अंदर हो गई है। भाई, 14 सीटें आपके पास थी, 10 हमारे पास थी, एक एक करके जो थी निर्दलीय के पास गई, सपा में भी कभी आदमी हमारा ही जीता, छतरपुर से, बिजावर से। प्लानिंग का हिस्सा है कि उन्हें खंडवा, खरगोन और मालवा निवाड़ से निकालकर उन्हें बुंदेलखंड भेज दो, जिसमें उनका इंटरफेयर कम हो जाए, और बुंदेलखंड भेज के उन्होंने उन्हें ये काम में लगा दिया कि साहब आप अपना क्षेत्र छोड़ के और दूसरी जगह लग जाओ। ये भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की प्लानिंग का हिस्सा है। इसको भी आप, कमल दिग्विजय सिंह को जानते हैं आप,
जी प्रिंस स्थिति की जवाब दीजिए, ये तो बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अरुण यादव को भी बड़ी रणनीतिक तौर पर आपने बाहर निकाल दिया, वो कह रहे हैं गौरव जी। गौरव जी को उनकी जानकारी कम है, गौरव जी उनको निमाड़ का नेता समझते हैं और हम कह रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनको तो बुंदेलखंड में एक तो ले जाके जगह दी है, निमाड़ में तो वो काम करेंगे ही करेंगे भाई, निमाड़ में तो वो काम करेंगे ही करेंगे और बुंदेलखंड का भी काम उनको दिया गया है कि आप इसके यहाँ फोकस करके युवाओं की टीम इकट्ठा करिए, जो जो पार्टी की कमजोरी है और ये 17 नेताओं को दी गई है ऐसी जिम्मेदारी है, तो इसमें क्या है। और निमाड़ के तो वो नेता है ही, अब आप उनका मान कम कर रहे हैं कि वो तो निमाड़ के नेता हैं, मध्य प्रदेश का कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना, वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं और एक और सभी सभी सेक्टर और खंडों में हमने इतना बड़ा प्रदेश है उसको बांटा है ताकि हम फोकस करके काम कर सके, फोकस करके हम जमीन पर एक एक चीज को उतार सके, जहां भी संगठन की कमजोरी है, बूथ की कमजोरी है, उनको दूर कर सके। लेकिन लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में तो उधर सरपोटावल चल रही है, उधर वो भिंड से आके वो छतरपुर से चुनाव लड़ लिया एक ने, तो अब पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी कि भैया ये चंबल के यहाँ इधर कहाँ आ गए हमारे बुंदेलखंड में। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, कांग्रेस को परेशानी नहीं है, इनके बड़े बड़े गढ़ों खड़ गए। अब जयंत मलैया जी अब नहीं है इस पर है, इस बार ये गोपाल भार्गव जी को भी टिकट देने के मूड में नहीं है, खाली भूपेंद्र सिंह रहेंगे वो पक्का है क्योंकि वो सीएम के आदमी है, बाकी तो सबको जाना ही है उधर, इतने बड़े बड़े पुराने नेता थे सब खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं आपने खत्म कर दिए, वो कह रहे हैं जयंत मलैया जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। अरे तो उनके लड़के को उनके मोड़ा को काय निकाल दिया, मुझे लगता है आप जानकारी थोड़ी सी सुई, अरे उनके मोड़ा बाहर निकाल दिया ना आपने, हमारे नेता जयंत मलैया जी हैं। अरे भैया आपने उनके मोड़ा को बाहर निकाला या नहीं निकाला ये बताइए, जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए की बैठकों में जाते हैं, गौरव भाई पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं। गौरव भाई आप बहुत युवा हैं, अच्छे नेता हैं, युवा हैं, 89 से मलैया जी दमोह से जीतते आ रहे थे लगातार, ये पहली बार है कि ये पहली बार 18 में हारी भारतीय जनता पार्टी और फिर दोबारा हार गई वो भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे हम अभी आपके बड़े बड़े गढ़ उखाड़ देंगे। लेकिन वो हमारे नेता है, हम आज भी स्वीकार करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम बड़े बड़े गढ़ उखाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी इस बार बुंदेलखंड में। 25 साल से कांग्रेस ये तो मुगालते में 25 साल से है, हम ये उखाड़ देंगे हम वो उखाड़ देंगे, लेकिन जनता उखाड़ती है ना, तो जनता 20 साल से उखाड़ रही है, 2023 में दिखाएगी। आपने जो सपने दिखाए थे किसानों के कर्जा माफ का, बेचारे किसान डिफॉल्टर हो गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, यदि आप पूरी मेहनत आपने की, दमोह आप हार जाते वो भी आता है उसी बुंदेलखंड में आता है, फिर हम देखते हैं कि पज्जन भाई वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, आप वहाँ से हार जाते हैं, बाकी हम बात करें अन्य सीटों की तो वो भी हाथ से छिटक जाती, तो पिछली बार बहुत अच्छा रहा लेकिन इतना ही नहीं कहा जा सकता कि उसमें अति उत्साह दिखाई देता हो भारतीय जनता पार्टी को। गौरव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अति उत्साह में नहीं रहती, हम पूरे समय जनता के बीच में और कार्यकर्ता हमारे जनता के संपर्क में पूरे समय रहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए या हम लोग सरकार में बने रहे इसके लिए हम सभी काम नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के कामों के लिए, उनके जनता की मदद के लिए हमेशा उनके बीच में गांव में रहकर आम जनता की मदद के लिए और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम जनता के बीच में रहते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ 2018 में चुनाव लड़ी थी, अब हम 2023 में हमारा पूरा संगठन की संरचना तैयार है, हमारे मंडलों के बूथ के, अब कांग्रेस जिस तरह से संगठन और सेक्टर की बात करती है, कई जगह तो आपके ब्लॉक अध्यक्ष वो ही नहीं है 3 साल में, आप बूथ की बात करते हैं, हमारे तो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, मंडल अध्यक्ष, पार्टी का पूरा संगठन, मोर्चा, प्रकोष्ठ, पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयार है और हम सभी जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। मैं निश्चित रूप से फिरोज भाई से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां सभी समाज वर्गों का बहुत सम्मान है, इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भी हमारे साथ आए, आपको भी 2023 में। चलिए फिरोज जी आपको तो सीधा चलिए, गौरव जी ने तो सीधा आमंत्रित कर लिया कि उधर ही आ जाइए। अरे हम कह रहे हैं भाई आपके 47 लोग कर्नाटक में अभी लौट के आए, कांग्रेस ज्वाइन की है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की हालत और भी ज्यादा खराब है, आप युवा है 20-25 साल अब हम ही रहेंगे, तो आप आ जाइए ज्यादा बेहतर है, अब आपकी तो चला चली की बेला है,
दो चार दस एक साल पहले बोलते तो शायद मैं सोच सकता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कमलनाथ जी जब आज बिना पहुंचे तो बहुत ज्यादा सफल नहीं रही, वो कह रहे 15 मिनट में भाषण खत्म हो गया। एक दूसरे विधायक अभी थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वहां पर बुलाया गया था कम से कम 10-20 हजार लोगों को, लेकिन 1,000 लोग भी नहीं पहुंचे, तो ऐसे में कैसे कर पाएंगे भाई? ये भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, खाली कुर्सियां, खाली टेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का, इनके बहुत वीडियो वायरल होते रहते हैं, बड़े साहब से लेके छोटे साहब तक सबके होते रहते हैं। कांग्रेस की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वहाँ कहीं भी हमारे कि हमारा संगठन जो है लोगों को इकट्ठा ना कर पाए, ऐसी हमारी कोई स्थिति नहीं है। आए थे कमलनाथ जी 10-11 मिनट 15 मिनट जो उन्होंने भाषण दिया, वो इतना ही भाषण देते हैं। मैं तो उनके कई सारे कार्यक्रमों में मीडिया कोऑर्डिनेशन कर चुका हूँ, और वो आए थे मंडलम सेक्टरों की सबकी बैठकें करने कार्यकर्ताओं से, और जो लोगों से बात की उन्होंने वो फीडबैक था। तो उनका कमलनाथ जी तो आए थे और हमारी रैली बढ़िया सफल थी बीना की। जी गौरव जी जी, मैं भी बीना ही का रहने वाला हूँ, कोई मैं बाहर का नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही थी कि 20,000 लोग कांग्रेस पूरे जिले से इकट्ठा करेगी, हम लोग बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और आप आकलन कर लें, आपके संवाददाता भी हैं और फिरोज भाई के कार्यकर्ता भी हैं, वो ईमानदारी से ये बता देंगे कि वहां के कांग्रेस के जो ग्रामीण हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको बगल में कुर्सी भी नहीं मिली कमलनाथ जी के, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारे वो पीछे खड़े रहे। बाहर के नेता जो भोपाल और बाकी जगह से आए, वो उनके जिले में आकर आजू बाजू में बैठते हैं और वहां के जिलाध्यक्ष को ही कुर्सी नहीं मिलती है। ये तो संगठन की स्थिति है कांग्रेस की, और क्या संगठन की बात करेंगे। मुझे लगता है ये सब प्रयास हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की छटपटाहट है कि वो ये चाहते कि हम कैसे भी सरकार में आ जाए, इसलिए आज उन्होंने जनता को डराने का काम किया कि 5 महीने बाद हम आ रहे हैं, 5 महीने बाद हम आएंगे तो हम देख लेंगे। ये तरीका नहीं है, जनता जो आपकी विकास यात्रा जैसा हाल तो नहीं हो रहा ना हमारा कहीं? गौरव भाई, आपकी विकास यात्रा जैसा हाल तो नहीं हो रहा ना कहीं? आप ये नहीं करो वो नहीं करो, अरे भाई आपकी विकास यात्रा जैसा तो हाल नहीं हो रहा ना कि कोई सांप डाल रहा है, कोई पुंगी बजा रहा है, ऐसा हाल तो नहीं है ना कहीं भी हमारा? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को ये सोचना, अरे भाई हमारा ऐसा हाल तो नहीं है ना कि कहीं भी हमारे नेता जो है जो योजना चला रही है युवाओं के लिए, जो कितने लोगों को मिलेगी? अच्छा ये बता दो लाडली बहना, कितने लोगों को मिलेगी? योजनाएं चला रही है वो जनता के हित में काम करे और सही सरकार का सहयोग करे। मुझे लगता है कितनी सीटें लाएंगे इस बार गौरव भाई? 26 में से 26 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी संभाग में। लो फिरोज जी आप बता दीजिए, वो कह रहे 26 में से 26। अरे भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा है ना गालिब का एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अब दिल बहला रहा है गौरव भाई, आप भी वो हस्तिनापुर से बने हैं, वो 26 के 27 भी बोल सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है ना। उनको भी हकीकत पता है कि उनकी विकास यात्रा का क्या हाल किया है जनता ने, वो क्या दौड़ाया है इनके विधायकों को और लोगों, और पूरी जो है जनता सब जगह से गायब थी, कर्मचारी अधिकारी और जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा। मनोज भाई ये लोग तो कभी क्षेत्र में जाते नहीं, गाँव में सीधे हम लोग पदयात्रा करते हैं, हम लोग पदयात्रा करते हैं, नेता हमारे विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग गांव में पूरे समय रहते हैं। और विकास यात्रा के माध्यम से केवल हम लोगों का काम ये था कि हम जनता के बीच में जाकर उनके काम करा सके। चलिए सर, क्या होगा बुंदेलखंड में, क्या होगा? आप दोनों बुंदेलखंड से जुड़े हुए नेता है, तो बुंदेलखंड की नब्ज को, वहां की जमीनी हकीकत को समझते हैं, बेहतर समझते हैं। गौरव युवा एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष है, जाहिर है कि जिलाध्यक्ष का जिम्मा बड़ा होता है, तो बूथ तक भी पहुंच रहे होंगे, बाकी तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी निभा रहे होंगे। फिरोज सिद्दीकी लगातार उस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो दोनों को सब असलियत पता है। अब यहाँ किस तरह की बात होगी वो गौरव जी भी कर रहे होंगे और फिरोज सिद्दीकी भी, लेकिन असलियत तो जनता समझती है और 2023 का जब चुनाव होगा तो वो भी सामने। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े फिरोज जी और गौरव जी। लेकिन मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इस बार जाएगा कहाँ, क्योंकि दोनों दलों ने ये तय कर लिया है, एक वो चाहती भारतीय जनता पार्टी कि हमारा गढ़ है वो बचा रहे, दूसरा कांग्रेस सेंध लगाना चाहती, लेकिन बात तो जनता के ऊपर जाकर ठहर जाती और इसीलिए तो ये बहस गर्म हो जाती। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, नमस्कार।